हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं तंदूरी चिकन टिक्का, वो भी मेरे स्टाइल में, बिल्कुल रेस्टोरेंट सरीखा। आप बाजार का चिकन टिक्का तो खाना भूल ही जाओगे इसके आगे, तो चले बनाना फिर शुरू करते हैं। इसे हम बिना ओवन के बनाएंगे, तो चलिए फिर इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसे हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इसमें डबल मैरिनेशन होता है, तो सबसे पहले हम चिकन को ले लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg चिकन। चिकन टिक्का बनाने के लिए इसको सीने का गोश्त लिया जाता है, हड्डी रहित, और इसे लेकर अच्छी तरह से धो लें और धोने के बाद इसका पूरा पानी सुखा लें। चाहे तो आप इसे टिश्यू पेपर से भी सुखा सकते हैं या चलनी में डालकर इसका पूरा पानी निथार लें। तो मैंने इसे चलनी में डालकर इसका पूरा पानी निथार लिया है और इसकी छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है। अब इसमें हम फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ तो नींबू का रस ले रही हूँ, ये देखिए 1.5 से 2 चम्मच के बराबर। और साथ में इसमें हम डाल देंगे नमक 1 टीस्पून, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, ये है हमारा 2 टीस्पून के करीब। बस फर्स्ट मैरिनेशन में इतनी ही चीज़ें जाती है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मल मल के बोटियों पर लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि एक तो जो चिकन की बेड स्मेल होती है वो ख़त्म होती है, दूसरा चिकन में थोड़ा जो मॉइस्चर होता है ना पानी इसे धोने के बाद जो ये एब्जॉर्ब कर लेता है वो पानी भी अच्छी तरह से रिलीज कर देगा, इससे हो जाएगा। तो आधे घंटे के लिए इस मैरिनेशन को हम रखेंगे। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं, जितना ज़्यादा रखेंगे रिजल्ट उतना बेहतर आएगा। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इस तरह से एक साइड इसे लगाना है और इस साइड जिस साइड इसकी बोटियाँ हैं एक कुछ ऐसे कटोरी वगैरह आपने रख लेना है, ये देखिए इस तरह से, और ये रख के इस तरह रख देना है ताकि इसमें से जो पानी निथरेगा ना इस साइड निथर करा जाएगा, फिर बाद में उस पानी को हम हटा देंगे। तो चलिए इसे हम 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए इसी तरह से रख कर छोड़ देते हैं। तब तक इसके लिए हम बढ़िया सा मेरीनेट मसाला बनाकर तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। ये तेल मैंने तेज धुआंधार गर्म किया और इसे ठंडा कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और इसे चम्मच से अच्छे से मिला देंगे। इससे बहुत अच्छा टिक्के पर कलर आएगा, बिल्कुल मार्केट की तरह। आप चाहें तो इसमें रंग भी मिला सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भुना हुआ बेसन या फिर काले चने का पाउडर भी आप मिला सकते हैं, या फिर इसकी जगह मकई का आटा भी ले सकते हैं आप। तो 1 टीस्पून ये डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और यहाँ पर मैं काला नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये डालेंगे हम 1/2 टीस्पून। आप सादा नमक भी ले सकते हैं लेकिन वो हम फर्स्ट मैरिनेट करने में चिकन में लगा लिया है तो इसमें ज़्यादा ना जाए इसलिए इसमें नहीं ले रही हूँ, लेकिन डलते दोनों नमक हैं। साथ में लेंगे 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट कर लें तवे पर और पीस लें। और क्यूमिन यानी सिका हुआ जीरे का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये होममेड गरम मसाला पाउडर है और इसकी रेसिपी आई बटन पर आपको दे दूंगी या फिर इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इसकी जगह पर आप हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और साथ में हम इसमें डालेंगे हैंग कर्ड या टंगा हुआ दही 2 टीस्पून, और फिर इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करेंगे अच्छे से मथ जाए जो दही में है, सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इतना इसे मिक्स करना है, देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ये थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, इसमें तेल की कमी लग रही है। तो इसमें गरम तेल जो हमने उठा लिया था थोड़ा सा मैंने ये डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर देते हैं। ये मसाला गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, इसे साइड पर रखेंगे। और अब आधा घंटा हो चुका है चिकन को रखे हुए, देखें इसने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। तो ये जो पानी है इसे हम हटा देते हैं। तो आपने देखा ना, हमने जो चिकन का पानी छूटा हुआ ये हटा देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टिक्का बनकर तैयार होगा आपका।
अब ये जो चिकन है और ये जो मेरीनेट हमने बना कर रखा है, ये पूरा मेरीनेट हम इस चिकन में डाल देंगे और फिर इसे हाथों से मसल मसल कर अच्छी तरीके से हमें इसमें मिला देना है। चिकन के टुकड़ों पर अच्छे से मलना है। दो बार मेरीनेट किए गए चिकन का स्वाद सबसे अच्छा होता है। मसालों, नींबू के रस और नमक के साथ पहली मेरीनेटिंग चिकन को स्वाद को अच्छी तरह से अवशोषित करने में मदद करती है और कच्चे मांस से गोश्त से स्वाद को तुरंत हटा देती है। आपका चिकन बिल्कुल भी फीका नहीं होगा। बाद में हम दही, अदरक, लहसुन और तेल मिलाते हैं जो चिकन को नरम बनाने में मदद करते हैं और हाई ताप पर ग्रिलिंग के दौरान गोश्त को सूखने से भी बचाते हैं। तो आराम का समय है, इसे 3 से 4 घंटे आराम करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 8 घंटे आराम करने से आपके टिक्के के स्वाद और बनावट में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। इसलिए इसे ढककर कम से कम 6 घंटे या रात भर के लिए फ्रिज में रख दें। समय कम ना करें क्योंकि चिकन नहीं पकेगा और नरम नहीं होगा। आप इसे रेफ्रिजरेटर में 48 घंटे तक रख सकते हैं। चिकन टिक्का पारंपरिक रूप से दही और मसालों में मैरिनेट किया गया और छोटा बोनलेस चिकन है जिसे तंदूर में पकाया जाता है, लेकिन यहाँ इसे पैन में तला जाता है। पैन में चिकन टिक्का बनाना बहुत आसान है। चिकन टिक्का इंडियन व्यंजनों में सबसे पॉपुलर चिकन स्टार्टर या एपेटाइजर में से एक है और दुनिया भर में काफ़ी पॉपुलर है। 6 घंटे के बाद इसे हम पैन में फ्राई करेंगे। तो इस तरह मैंने स्टिक ले लिए हैं और आप इसे स्टिक में लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं या फिर एक एक बोटी पैन में डालकर अलग अलग फ्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए तेल का जो है टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तेल को हम गर्म करने के लिए रख देंगे पैन में। जैसे तेज़ गर्म तेल हो जाएगा ना, तो ये जो मैंने सीक बनाई है इस तरह से जो है आप 3-4 सीक बनाकर तैयार कर लें, वरना इसे ऐसे भी तल सकते हैं। दोनों तरह से आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम सीकों को फ्राई करेंगे तो हाई फ्लेम पर अच्छा तेज़ गरम कर लें तेल और फिर 1 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई होने देंगे। फिर इसकी साइड से चेंज कर लेंगे, दूसरी साइड से भी इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर इन सीकों को निकाल लेंगे। निकालने के बाद जैसे थोड़ी सी ये हल्की सी ठंडी होगी इसे दोबारा से फ्राई करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए चिकन फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल करके एक प्लेट में रख लेते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देंगे। तब तक इसमें हम टिक्के डाल करके और फ्राई कर लेंगे। तो हम इसे बिना सीक के फ्राई करेंगे, तो बिना सीक के भी आपको मैं फ्राई करके इसे बता देती हूँ। इसे तेल में हम एक एक बोटी थोड़ी थोड़ी दूर पर डालेंगे जिससे बोटी एक के ऊपर एक चढ़ी ना हो, और इसे भी ठीक वैसे ही फ्राई करेंगे जैसे हमने सीकों को फ्राई करा था। यानी कि 1 मिनट के लिए हम एक साइड से और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसे 1-1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और फिर इसे हम एक स्ट्रेनर में निकालेंगे। एक्स्ट्रा तेल इसका पैन में निथार लेंगे और इसे भी थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए ये ठंडी होगी, जब तक जो सीके हमने फ्राई की थी ना उन्हें हम डबल फ्राई कर लेते हैं। तो इसे डबल फ्राई करने का रीज़न क्या है, जब इसे हम फ्राई करके रखते हैं ना तो इसमें जो अंदर मॉइस्चर होता है ना, वो मॉइस्चर जो है प्लेट में ये छोड़ देता है पानी की तरह, तो ये मॉइस्चर निकल जाता है। और फिर इसको डबल फ्राई करेंगे ना, बढ़िया फ्लेवरफुल और बहुत ही अच्छे फ्राई होती हैं। देखिए इसी तेल में हम वो सीके डालेंगे और इसे हम अच्छे से कुरकुरा सुनहरी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं, बढ़िया सा इनमें कलर आ गया है। इन्हें हम एक प्लेट में निकालेंगे और इसी तरीके से हम जो बोटियाँ फ्राई करके रखी हैं उन्हें भी दोबारा से हम तेल में डालेंगे और फ्राई करेंगे। ये देखिए, और इसे दोबारा से अलट पलट करते हुए तेज आंच पर फ्राई कर लेना है। तरह आप दोबारा फ्राई करेंगे ना, इसमें जो थोड़ा वो गीला गीला पानी छोड़ देता है वो सूख जाएगा। पूरी तरह से इसे बहुत ज़्यादा नहीं करना है ताकि अंदर से जूसी रहे और ऊपर से बढ़िया सी क्रिस्पी रहे। देखिए इसमें से जो चिट चिट की आवाज़ आ रही थी वो आना बंद हो गई है, तो बढ़िया सुनहरा क्रिस्पी फ्राई हो गया है। इसे एक स्ट्रेनर में निकालेंगे, एक्स्ट्रा तेल जो इसी पैन में निथार लेंगे। सेम प्रोसेस से चिकन टिक्का बाकी का भी बनाकर तैयार करेंगे।
तो देखिए चिकन टिक्का जो है हमारा अच्छी तरह से बन गया है। इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। इसे सर्व करते समय आप स्टिकों में भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से स्टिक ले लीजिए और इसमें लगा लीजिए प्याज के छल्ले, नींबू और बढ़िया सी चटनी के साथ इसे सर्व कीजिए। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चाहे तो आप इसको